कोरोना का संक्रमण लगातार देश में बढ़ता जा रहा है और देश भी इससे अछूता नहीं रहा है। जिला सोलन में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई अफवाहें भी कोरोना को लेकर उड़ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी अफवाह ये है कि कोरोना का संक्रमण खाने पीने की वस्तुओं से फैल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसका खंडन ड्रग इंस्पेक्टर स्वास्थ्य विभाग के सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने किया है। उन्होंने बताया कि आज के समय में लोग बेहद डरे हुए हैं और बाजार में उड़ रही अफवाहों में आकर वे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, इसलिए वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें, लेकिन सावधानी रखें। उन्होंने बताया कि खाने पीने के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए FSSAI ने किताब भी जारी की है, जो उनकी साइट पर उपलब्ध है, जिसमें उन्हें क्या सावधानियां रखनी है उसमें बारीकी से बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने कहा कि कोरोना का संक्रमण खाने पीने की वस्तुओं से नहीं फैलता है। उन्होंने कहा कि FSSAI अब खाद्य पदार्थों से जुड़े व्यवसायियों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये संक्रमण किसी के छूने से और ड्रॉपलेट्स से फैलता है, इसलिए हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और जब भी हम खाद्य वस्तुओं खरीदते हैं या उन्हें बनाते हैं तो स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण तभी फैल सकता है अगर हम भीड़भाड़ वाली जगह से खाद्य वस्तुओं खरीद रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, समय-समय के अंतराल पर हाथ साफ नहीं कर रहे हैं तो संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को संशय है तो वे FSSAI की साइट पर जाकर महत्वपूर्ण जानकारियां ऑनलाइन ले सकता है। जो भी केस स्टडीज आई हैं उसमें ये किसी में भी ये नहीं आया कि जो COVID-19 वायरस की जो स्प्रेड करता है वो फूड से भी स्प्रेड कर जाता है। तो फूड से ये स्प्रेड नहीं करता, ये स्प्रेड करता है ह्यूमन से ह्यूमन को, जो सांस लेते वगैरह, जो खांसते वगैरह जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उससे डायरेक्टली ये स्प्रेड करता है, और इनडायरेक्टली स्प्रेड करता है कि अगर वो ड्रॉपलेट किसी सरफेस पर गिर गए हैं और उसको किसी ने टच किया तो उससे भी वो स्प्रेड कर सकता है। तो इसकी स्प्रेड को रोकने के लिए FSSAI ने एक ई बुक निकाली है जिसमें ईट राइट ड्यूरिंग COVID-19, ये अप्रैल में निकल गई थी और FSSAI की वेबसाइट पर PDF फॉर्म में अवेलेबल है। और इसमें बताया गया है कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो जब रॉ मटेरियल खरीदेगा तो क्या क्या प्रिकॉशंस बरतेगा, और उसमें खास बात यही है जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम टाइम टू टाइम 40 से 60 सेकंड तक अपने हाथ बार बार हाथ धोते रहें, और जब भी हम कोई रॉ मटेरियल खरीदने जाएं तो हम उसकी पहले प्रॉपर एक लिस्ट बना लें, और उस टाइम हम खरीदने के लिए जाएं जब ज़्यादा रश नहीं होता, 6 फीट का जो दूरी है हमने सोशल डिस्टेंस रखना है वो उसको मेंटेन करें, और जब उसने हमने वो रॉ मटेरियल खरीद लिया, खरीदने के बाद उसको जब हम उसको हैंडल करेंगे अपने जहाँ भी किचन में जहाँ भी हमने उसको हैंडल करना है प्रिपेयर करने से पहले, तो हम जो जहाँ जो भी सरफेस है हमारा सिंक है हमारे चॉपिंग बोर्ड है उनको हम क्लीन करें सैनिटाइज करें, उसके बाद ही जो होटलियर हैं जो अपने स्टाफ को एंगेज कर रहे हैं वो उसको प्रिपेयर करें, और प्रिपेयर करने पर भी वो जो पर्सनल हाइजीन है उसका विशेष ध्यान रखें।